आपकी अपनी सुनीता एस डी काबरा, मॉडर्न मास्टर न्यूमरोलॉजिस्ट, वास्तु एक्सपर्ट, सीईओ ऑफ रेशम गोल्ड ज्वेलरी एंड लाइफ केयर ब्रांड एंड योर डे मेकर। एक्सप्रेशन जब ठीक से लोग नहीं डिलीवर कर पाते, जहाँ पे भी ये लिमिटेशन आ जाती है, तब जो ब्लॉकेज बनता है, कई बार ये ब्लॉकेज बढ़कर क्रॉनिक डिजीज़ का रूप भी ले लेता है। हार्ट बीट बढ़ जाना, हार्ट की प्रॉब्लम हो जाना, धड़कन की प्रॉब्लम, ऐसी सब जो इश्यूज़ होते हैं, ये सब कहीं ना कहीं हार्ट चक्रा के ब्लॉकेज के कारण ही होते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ है, इसे सेंटर ऑफ मैनिफेस्टेशन भी कहते हैं, कि हमारा दिल एक जरिया है डिवाइन के कनेक्शन के साथ भी, कि हमारा दिल जिस चीज़ को मान लेता है वो मैनिफेस्ट जल्दी होती है। तो और ये भरोसा कहीं ना कहीं हमारे लॉजिकल ब्रेन के साथ अटैच होता है, तो इन ये चीज़ भी, हमारा हर चक्रा भी बहुत हद तक रिस्पॉन्सिबल है मैनिफेस्टेशन के लिए, क्योंकि इसे सेंटर ऑफ मैनिफेस्टेशन, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का मूल कारक माना जाता है। इसको कैसे बैलेंस करना है, कैसे इसके ब्लॉकेज को रिमूव करना है, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको। अभी पहले चक्रास को कंप्लीट कर लें। तो अभी जाने से पहले एक बार वापस से रिपीट करूंगी कि आप इस वीडियो को अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि जिसको भी इसकी ज़रूरत है ये वीडियो वहाँ तक पहुँच पाए। थैंक यू।